ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो टॉपिक है ए टू इकोनॉमिक्स, आप इस टाइटल से भी देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द टॉपिक फॉर टुडे। ए टू इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 7, एंड दिस इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स डेफिनेटली। सिलेबस रेफरेंसेस 7.1.1 एंड 7.1.2। सो ये दो चीज़ें जो हैं वो आज की क्लास में मैं इंशाल्लाह कवर करूँगा। आज की क्लास का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिस्ट डाउन कर रखे हैं आपके लिए। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ वी विल लुक इन टू द डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी, के ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है क्या चीज़, इसके बेसिक मीनिंग्स क्या हैं। देन डेफिनेटली वी विल लुक इन टू मार्जिनल यूटिलिटी एंड डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड फार्मूला टू कैलकुलेट इट। देन टोटल यूटिलिटी एंड द फार्मूला टू कैलकुलेट टोटल यूटिलिटी। And we will proceed to the law of diminishing marginal utility then, and we will look into the assumptions of this law, and then we will also explain limitations of this law as well. So one by one, first thing first, so utility का meaning क्या होता है। utility को अगर हम define करें तो utility refers to the satisfaction that we derive by using certain product। तो इसके लिए जो की वर्ड है, सेटिस्फेक्शन भी कह सकते हैं आप, इसके लिए हैप्पीनेस भी कह सकते हैं। द हैप्पीनेस दैट वी गेन फ्रॉम यूजिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन दैट वी डिराइव फ्रॉम यूजिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट इज़ नोन एज यूटिलिटी। अच्छा, यूटिलिटी और बेनिफिट दो डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। समटाइम्स वी यूज़ द प्रोडक्ट एंड वी गेट बेनिफिट एज वेल एज यूटिलिटी, बट समटाइम्स द सिचुएशन इज़ टोटली रिवर्स। लाइक आपके पास कई दफ़ा ऐसी चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं जिनसे हमें सेटिस्फेक्शन भी मिल रही होती है और ज़ाहिर उससे बेनिफिट भी मिल रहा होता है, लेकिन ऐसा हर दफ़ा नहीं होता। जैसे अगर आप लेट्स अज्यूम कोई स्मोकर है, वो स्मोकिंग करेगा, तो उसको सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस तो फील होगी बट बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज स्मोकिंग इज़ नॉट बेनिफिशियल टू हेल्थ। सो लेकिन अगर कोई सपोज करें कि इफ़ समवन ईट्स एन एप्पल, तो उससे उसे सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, उसको उससे हैप्पीनेस भी मिलेगी, साथ में बेनिफिट भी मिलेगा। सो यूटिलिटी माइट बी बेनिफिशियल और समटाइम्स माइट नॉट बी, बट इट गिव्स सम सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस टू द इंडिविजुअल कंज्यूमर। मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द नेक्स्ट थिंग। मार्जिनल इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। मार्जिनल मीन द इम्पैक्ट ऑफ समथिंग एडिशनल दैट वी डू। सो मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द एडिशनल यूटिलिटी दैट वी ऑब्टेन बाई यूजिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट किसी चीज़ का यूज़ करते हैं, तो उससे जो आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, मार्जिनल यूटिलिटी इज़ इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वान्टिटी कंज्यूम्ड। इकोनॉमिक्स में ये जो डेल्टा साइन है, ये हम इकोनॉमिक्स में चेंज के लिए यूज़ करते हैं। सो टी जो स्टैंड फॉर टोटल यूटिलिटी एंड क्यू इज़ क्वांटिटी कंज्यूम। सो जब हम ये फार्मूला यूज़ करके निकाल लेंगे वैल्यू, तो हमें पता चल जाएगा कि एक एडिशनल यूनिट से सेटिस्फेक्शन कितनी मिली है। इसको भी आगे जाके मैं न्यूमेरिकल वैल्यू से एक्सप्लेन करूँगा, फॉर नाउ यू कैन बेसिकली लुक इनटू दिस फार्मूला। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, लाइक जितने भी टोटल आपने किसी चीज़ के यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, उनसे आने वाली जो टोटल सेटिस्फेक्शन होती है, द टोटल सेटिस्फेक्शन दैट वी डिराइव बाय यूजिंग अ सर्टेन क्वांटिटी ओवर टाइम इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट एंड सो ऑन। सपोज करें जितने भी हम यूनिट यूज़ करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट तक, इन सबको कि मार्जिनल यूटिलिटीज़ को अगर हम क्लब कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो वो हमारे पास टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। इसका फॉर्मूला जहन में रख लें, आगे जाके इसकी कैलकुलेशन मैं करवाऊंगा, तो फिर आपको समझ आएगी कि इसका क्या मीनिंग है असल में। देन कम्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें ये बताता है कि जब किसी प्रोडक्ट को आप कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, तो उसके हर एडिशनल यूनिट पे आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस यूनिट कम मिलेगी। लाइक जो सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी मिलती है एडिशनल यूनिट पे, वो पहले यूनिट की नस्बत कम होती है। क्या मतलब है इसका, जैसे हम इसकी जनरल एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको प्यास लगी एंड यू ड्रिंक द फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, दैट विल गिव यू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और उसके बाद उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो हाइएस्ट होगा
लेकिन सेकेंड यूनिट पे आपको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जितनी फर्स्ट यूनिट पे मिली थी। थर्ड यूनिट पे जब आप जाएंगे तो थर्ड यूनिट पे आपको सेटिस्फेक्शन सेकेंड यूनिट से भी कम मिलेगी, क्योंकि आपको जब पहला ग्लास पिया बहुत प्यास लगी थी, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी। दूसरे पे सेटिस्फेक्शन मिलेगी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी पहले पे मिली थी। थर्ड पे और काम हो जाएगी, फोर्थ पे और काम हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेसिकली एक्सप्लेन्ड। और इसको लाइक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए लाइक कुछ अजम्पशंस हैं इस लॉ को एक्सप्लेन करते हुए, जिन चीज़ों का हमें जहन में रखना होता है वो अजम्पशंस क्या हैं उनको पहले देख लेते हैं, फिर देन वी विल लुक इनटू कि ये लॉ है क्या, इसको ग्राफिकली हम किस तरह या इसको टेबल के थ्रू हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द अजम्पशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ द लॉ। सो अजम्पशंस इसके क्या हैं, ये लॉ अज्यूम करता है कि कंज्यूमर शुड बी रैशनल। रैशनल कंज्यूमर इज़ द पर्सन हु इज़ वेल अवेयर अबाउट द इनकम ऑफ हिज इनकम, अबाउट द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, एंड ही कैन कैलकुलेट द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट फॉर हिम एज वेल। सो रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, इरैशनल कंज्यूमर नहीं होना चाहिए। ऐसा बंदा ना हो जिसको ना तो अपनी इनकम का पता हो, ना ही प्रोडक्ट की प्राइसेस का पता हो, ना ही उसे ये पता हो कि उसको इस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की सेटिस्फेक्शन उसे ज़्यादा मिलेगी, किसकी कम मिलेगी। सो रैशनल कंज्यूमर मस्ट बी द पर्सन हु हैज़ द नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ये लॉ ये भी अज्यूम करते हैं कि कंटिन्यूस यूज़ होना चाहिए। कंटिन्यूस यूज़ का क्या मतलब है कि आपने, जैसे मैंने पानी की एग्जांपल दी अभी आपको, कि पानी का एक ग्लास पिया, फ़ौरन ही दूसरा, फ़ौरन ही तीसरा, फ़ौरन ही चौथा पिए, तब ये लॉ अप्लाई होगा। लेकिन अगर आपने एक ग्लास पानी का सुबह पिया, एक दोपहर में पिया, एक शाम में पिया, तो फिर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सो कंटिन्यूस यूज़ होना चाहिए इस लॉ को वैलिड होने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये लॉ फिर वैलिड नहीं रहेगा। प्रोडक्ट शुड रिमेन द सेम, प्रोडक्ट चेंज नहीं होने चाहिए। अगर प्रोडक्ट चेंज होती है तो भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब है, जैसे हमने बात की, सपोज करें पानी का ग्लास प्लेन वाटर, फर्स्ट ग्लास आपने लिया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन अगर आप चेंज करते जाएं, प्रोडक्ट चेंज करते जाएं, पहले आप पहला ग्लास आपने सादा पानी का ग्लास लिया, फिर आपने स्क्वाश ले ली, फिर आपने कोई और कोल्ड ड्रिंक ले ली, तो चेंज चीज़ होती जाएगी, तो फिर सेटिस्फेक्शन लेवल कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। लॉ कहते हैं कि सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाता है जब आप कंटिन्यूसली किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, सेम चीज़ को अगर चेंज करेंगे तो लॉ फिर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर जो है, लेट्स से कि वो लाइक जब आप डिनर करते हैं, डिनर में जो भी खाना बनाओ वो आप खा के जब फुल हो जाते हैं, आपको लगता है कि और खाएंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलनी, आप उस टाइम पे स्टॉप कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी वो प्रोडक्ट, वो खाना, फूड चेंज कर दिया जाए, जैसे आइसक्रीम आपको मिल जाए या चॉकलेट मिल जाए या फिर स्वीट डिश मिल जाए, तो उस स्वीट डिश की आपको फिर से सेटिस्फेक्शन पीक पे मिलेगी। तो प्रोडक्ट जब चेंज करेंगे तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। सो ये लॉ ये भी अज्यूम करता है कि प्रोडक्ट शुड रिमेन द सेम। नेक्स्ट इज सूटेबल क्वांटिटी। क्वांटिटीज़ जो आप यूज़ करें, क्वांटिटी शुड नॉट बी वेरी बिग और वेरी स्मॉल। अगर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी लेंगे तो उसमें चेंज नहीं कर सकेंगे। चेंज का मतलब ये कि वो एक क्वांटिटी ही आपके आपसे मुश्किल से फिनिश होगी, तो जब आप सेकंड यूनिट उसका यूज़ ही नहीं करेंगे तो सेटिस्फेक्शन का पता नहीं चलेगा। इसी तरह से क्वांटिटी शुड नॉट बी वेरी स्मॉल। इस तरह ना हो कि पानी अगर आपने पीना है तो एक रीजनेबल क्वांटिटी, सूटेबल क्वांटिटी एक ग्लास ऑफ वाटर होगा, लेकिन अगर कोई बंदा एक ड्रॉपर के साथ एक एक ड्रॉप पानी का पीना शुरू कर दे तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको मेजर करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, और हो सकता है कि नेक्स्ट यूनिट भी आपको उतनी सेटिस्फेक्शन दे जितना फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर पे आपको सेटिस्फेक्शन मिली थी। कंज्यूमर्स स्टेट ऑफ माइंड शुड रिमेन द सेम। जो स्टेट ऑफ माइंड आपका पहला यूनिट कंज्यूम करने के लिए था, उसी सेम स्टेट ऑफ माइंड के साथ आप सेकेंड यूनिट कंज्यूम करेंगे तो ये लॉ अप्लाई होगा। लेकिन अगर किसी भी वजह से आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है तो सेकेंड यूनिट हो सकता है आपको पहले यूनिट की नस्बत भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे। कैसे, जैसे सपोज़ करें कि आपको भूख लगी थी और आपने एप्पल खाना शुरू किया, आपने सपोज़ करें फ्रिज का रुख किया और वहाँ से 3 एप्पल्स आपने ले लिए। अब जब पहला एप्पल खा रहे थे तो आपको क्या हुआ कि
कि आपके डॉक्टर अंकल ने आपको देख लिया कि आप एप्पल खा रहे हैं, सो उन्होंने आपको फॉर एग्जांपल एप्पल के हज़ारों किस्म के बेनिफिट्स बता दिए कि इसका खाने का तो फ़ायदा ये फ़ायदा है वो फ़ायदा है, तो अब आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, पहले तो आप जस्ट भूख मिटाने के लिए उस सेब को खा रहे थे, अब आप आपके जहन में वो इतने सारे बेनिफिट्स भी आ गए, अब जो सेकेंड यूनिट उसका एप्पल का आप खाएंगे तो आपको हो सकता है पहले यूनिट की नस्बत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। सो ये लॉ हमें ये भी बेसिकली बताता है कि जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, जिस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया था, सेम स्टेट ऑफ माइंड के साथ आप सेकंड यूनिट कंज्यूम करें। नाउ मूविंग टू द लिमिटेशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन से मुराद है वो कंडीशंस जिनमें ये लॉ टोटली अप्लाई हो ही नहीं सकता। वो क्या कंडीशंस हैं? जैसे नॉलेज के केस में ये लॉ अप्लाई नहीं होता, नॉलेज का हर एडिशनल यूनिट दैट यू गेट गिव्स यू मोर सेटिस्फेक्शन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस यूनिट, सो नॉलेज के केस में ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। वेल्थ के केस में द मोर वेल्थ यू क्रिएट द मोर बेनिफिट और सेटिस्फेक्शन यू गेट, तो वेल्थ के केस में भी ये अप्लाई नहीं होता। आपके पास डॉलर्स आते जाएं, आपके पास एसेट्स बढ़ते जाएं, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होने की बजाय और बढ़ता जाता है। हॉबीज़ के केस में भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। जैसे सपोज करें अगर किसी को गेमिंग का शौक है, हॉबी है उसका, वो सारी सारी रात भी गेमिंग करते रहेंगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिन चढ़ जाएगा, उनको पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने कितना ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड कर लिया। एवरी टाइम दे प्ले द गेम एग्जैक्टली सेम गेम गिव्स हिम मोर सेटिस्फेक्शन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस अटैम्प्ट, तो गेमिंग के केस में। इसी तरह से बहुत सारे और भी हॉबीज़ होते हैं, जैसे कुछ लोगों का गार्डनिंग हॉबी होता है, तो वो गार्डनिंग करके बार बार रिपीटेडली वही काम करते हैं लेकिन फिर भी दे गेट मोर सेटिस्फेक्शन एंड मोर सेटिस्फाइड एवरी डे दे डू द सेम जॉब। एंटीक प्रोडक्ट्स के केस में भी यही होता है, इसको भी आप हॉबीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको एंटीक प्रोडक्ट्स प्रोटेक्ट कलेक्ट करने का शौक होता है, वो द मोर एंटीक प्रोडक्ट्स दे कलेक्ट द मोर सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी दे बेसिकली रिसीव फ्रॉम दैट एंटीक प्रोडक्ट। ओके, सो एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर लें, फैशन के केस में भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। अगर आप कोई चीज़ फैशन के हिसाब से यूज़ करें, लेटेस्ट फैशन के हिसाब से, तो आपको उस चीज़ को यूज़ करके और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है बिकॉज यू आर बेसिकली यूजिंग दैट प्रोडक्ट एज पर द न्यू फैशन। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसका फैशन आउट हो जाए, उसका आपको सेटिस्फेक्शन, पहला यूनिट भी उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, सेकेंड भी नहीं देगा, तो फैशन चेंज हो जाएगा तो भी ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अगर आप एक चीज़ एज पर फैशन यूज़ करेंगे तो वो मे बी उसका हर यूनिट जब आप कंज्यूम करेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगी। सो ये इस लॉ के कुछ अजम्पशंस हैं, लेकिन ये लॉ को हम एक टेबल और डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? लेट्स हैव अ लुक ऑन द टेबल एंड डायग्राम। लेट्स अज्यूम के कंज्यूमर जो है उसके पास लाइक मल्टीपल यूनिट्स हैं जो वो कंज्यूम करना चाह रहे हैं। इस तरह से आप टेबल ड्रॉ कर लें। लेट्स अज्यूम के क्वांटिटी जो वो कंज्यूम करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, लाइक चॉकलेट की एग्जांपल ले लें, कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल ले लें, जूसेस की एग्जांपल ले लें, कुछ भी हो सकता है। देन इज मार्जिनल यूटिलिटी, एम यू स्टैंड फॉर मार्जिनल यूटिलिटी एंड देन इज टोटल यूटिलिटी, टी यू स्टैंड फॉर टोटल यूटिलिटी। सपोज करें कंज्यूमर जब पहला यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको लेट से 10 यूनिट्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलती है। सेकेंड यूनिट पे जैसे हमने कहा कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, तो अब मार्जिनल यूटिलिटी 8 हो जाएगी, और थर्ड यूनिट पे और कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, फोर्थ यूनिट पे और कम हो जाएगी, फिफ्थ यूनिट पे और कम हो जाएगी, सिक्स पे और कम हो जाएगी, और सेवन्थ पे हमारे पास पे नेगेटिव हो जाएगी। जब सिक्स पे हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तो इसका मतलब ये है कि सिक्स यूनिट कंज्यूम करने से कोई हमें एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। अब ऐसे टाइम जब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ऑलरेडी मैक्सिमाइज हो चुका है, मार्जिनल यूटिलिटी अब आपको मिलना बंद हो गई है, तो ऐसे टाइम पे अगर आप एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव में यानी डिससेटिस्फेक्शन में चला जाएगा। डिससेटिस्फेक्शन का मतलब है आपको मे बी स्टमक में पेन हो जाए या फिर आपको वॉमिट हो जाए या कुछ भी मसला हो सकता है, तो फ़ायदे की बजाय यूटिलिटी की बजाय डिससेटिस्फेक्शन आपको कॉज हो सकती है। नाउ कमिंग टू द टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए जब आपने पहला यूनिट कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट ने 10 दी तो टोटल भी 10 होगी बिकॉज अभी आपने यूज़ ही खाली एक यूनिट किया है।
अब जब आप सेकेंड यूनिट यूज़ करेंगे तो आपको 8 सेटिस्फेक्शन मिली सेकेंड यूनिट पे, टोटल कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट्स आपको पहले यूनिट पे मिल चुकी थी, 8 सेटिस्फेक्शन दूसरे यूनिट पे मिली है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 10 + 8 = 18 हो जाएगी। और फिर थर्ड यूनिट पे 6 सेटिस्फेक्शन और मिल गई, 18 आपके पास ऑलरेडी थी, 6 और मिल गई तो 24 हो जाएगी। फिर फोर्थ यूनिट पे क्या होगा, 24 + 4 कर दें, 28 हो जाएगा। फिर फिफ्थ यूनिट पे 2 एक्स्ट्रा मिली तो 28 + 2 30 हो जाएगा। सिक्स यूनिट पे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, 30 + 0 करेंगे तो 30 ही रहेगा, देन 30 - 2 करेंगे तो 28 हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ड्रॉ दिस टेबल, एंड नाउ यू कैन मेक दिस ग्राफ, मेक ग्राफ ऑफ दिस टेबल एज वेल। अब आपके पास लाइक दो ग्राफ्स आपको बनाने होंगे एक ही पैनल के अंदर, यू हैव टू ड्रॉ टू ग्राफ्स। जो नीचे वाला पार्ट है इसको लेट्स अज्यूम हम मार्जिनल यूटिलिटी के लिए यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज़ ओरिजिन पॉइंट, दिस इज़ नेगेटिव रीजन, दिस इज़ पॉजिटिव रीजन, और एक्स पे हमारे पास क्वांटिटी है, दिस इज़ क्वांटिटी, यहाँ पे भी लाइक वही हम क्वांटिटी लेंगे, अगेन दिस इज़ ओरिजिन पॉइंट ऑफ द अपर ग्राफ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टोटल यूटिलिटी। अब देखिए थोड़ा सा मैथमेटिकल माइंड यहाँ पे अगर यूज़ करें तो सबसे पहले हमें जो नीचे वाला ग्राफ है, एक तरफ क्वांटिटी एक तरफ मार्जिनल यूटिलिटी, मींस क्वांटिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप आपको देखना है, इन दो वैल्यूज़ का रिलेशनशिप क्या बनता है, क्या रिलेशनशिप बन रहा है। अगर हम क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं 1 से 2, 3, 7 तक जा रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली कम होती जा रही है, जब दोनों, तो इस तरह के रिलेशनशिप को नेगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। जब रिलेशनशिप नेगेटिव हो तो ग्राफ की स्लोप भी नेगेटिव होती है, इस तरह से एक चीज़ बढ़ती जा रही है दूसरी कम होती जा रही है। एएस में जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड में एक तरफ प्राइस और एक तरफ क्वांटिटी होती है, प्राइस कम होती है क्वांटिटी बढ़ती है तो रिलेशनशिप ऐसे नेगेटिव बनता है। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का ग्राफ बनेगा, मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ ऐसे नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, और यहाँ पे आप मार्जिनल यूटिलिटी लेबल कर दें। मार्जिनल यूटिलिटी ने जहाँ पे एक्स एक्सिस कर्व को कट किया, एक्स एक्सिस को कट किया MU ने, वहाँ पे लाइक कौन सा यूनिट होगा मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ से जब आप देखेंगे, एक सेकेंड मैं कलर चेंज करके देखता हूँ, इस पॉइंट पे जब देखेंगे तो ये देख सकते हैं आप लोग कि मार्जिनल यूटिलिटी इस पॉइंट पे ज़ीरो है। तो इट मींस ये कौन सा पॉइंट होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगी, वो ये पॉइंट होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है, और ये कौन सा यूनिट है, सिक्स यूनिट है। इट मींस कि जब आपने सिक्स यूनिट कंज्यूम किया तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी, मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ज़ीरो। एक चीज़ और यहाँ पे अगर आप देखें तो जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, दैट इज़ 30 यूनिट्स। तो आप यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर वाले ग्राफ के साथ कनेक्ट करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे आप फाइंड कर लेंगे कि ये मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट पे आपके पास जो टोटल यूटिलिटी है वो ग्राफ इस तरह से बनेगा, फिर ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। सो मार्जिनल यूटिलिटी जब ज़ीरो है तो उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी हमारे पास मैक्सिमाइज्ड है, लेकिन जब तक मार्जिनल यूटिलिटी इस पॉजिटिव रीजन में है, बेशक कम हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखें मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली कम हो रही है, लेकिन टोटल यूटिलिटी के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रही है, 10 थी 18 होगी, 24 होगी, 28 होगी, 30 होगी, तो ये राइज करिए। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी, बेशक कम होती जा रही थी मार्जिनल यूटिलिटी, लेकिन उससे टोटल यूटिलिटी बढ़ रही थी, सो टोटल यूटिलिटी का राइजिंग ट्रेंड होगा। और इस पॉइंट पे सिक्स यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास ज़ीरो हो जाती है और टोटल यूटिलिटी सिक्स यूनिट पे मैक्सिमाइज्ड है। उसके बाद क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी, मार्जिनल यूटिलिटी देखें तो नेगेटिव रीजन में चली गई है, ये नेगेटिव रीजन है, और टोटल यूटिलिटी पे क्या इम्पैक्ट आया, ये फॉल होना शुरू होगी, फॉलिंग ट्रेंड है। सो इस मार्जिनल यूटिलिटी 30 से 28 तक नीचे आ गई। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इट्स टेबल। और ये लॉ, जैसे मैंने पहले आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि कुछ अजम्पशंस पे बेस करता है ये लॉ, कह रहे हैं कि जब आप कंटिन्यूसली किसी चीज़ को यूज़ करते जाते हैं तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कम होती जाती है, एडिशनल यूटिलिटी हर एक्स्ट्रा यूनिट पे कम होती जाती है, उसको यहाँ पे टेबल और ग्राफ के थ्रू हमने प्रूव कर लिया। और ये लॉ कुछ अजम्पशंस पे बेस करता है जो कि मैंने पहले आपको बता दिए। अजम्पशंस क्या थी, कि कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए इस लॉ को एप्लीकेबल रहने के लिए,
यूज़ कंटिन्यूस होना चाहिए, प्रोडक्ट चेंज नहीं होने चाहिए और क्वांटिटी सूटेबल यूज़ करें, स्टेट ऑफ माइंड भी चेंज ना हो। और ये लॉ बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा नॉलेज, वेल्थ, हॉबीज, एंटीक प्रोडक्ट्स और फैशन के केस में। अब आखिरी चीज़ इस क्लास की कि आपके जहन में आ रहा होगा कि अच्छा ये पढ़ लिया हमने तो अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं वो कुछ इस तरह से पॉसिबली हो सकता है कि असेस वेदर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ अ रियलिस्टिक पीस ऑफ एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस या पीस ऑफ एनालाइजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। जी, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें। अब आपके A2 में एक ही पैटर्न है, इसी तरह का असेस क्वेश्चन आएगा और सिंगल स्टेटमेंट होगी 20 मार्क्स की सिंगल स्टेटमेंट होगी। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को आंसर करना है। आंसर करने के लिए आपको असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 का ख्याल रखना है, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 का, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 का भी ख्याल करना है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 का मतलब है कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आप देंगे। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 का मतलब है कि आप उसको सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 का मतलब है आप उसको इवेल्यूएट भी करेंगे और इवेल्यूएट करने के बाद एंड पे उसको कंक्लूड भी करेंगे, उसका कंक्लूजन देना भी ज़रूरी होता है, कंक्लूजन भी उसका देना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे नॉलेज से क्या मुराद है, नॉलेज से मुराद है कुछ नॉलेज तो यहाँ अपेरेंटली हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है, कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होता है। नॉलेज के लिए क्या होगा, क्योंकि दिस कॉन्सेप्ट इज़ रेलेवेंट टू यूटिलिटी, तो आप पहले यूटिलिटी को डिफाइन करेंगे क्या होता है, उसका कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है ये बताएंगे, टोटल यूटिलिटी क्या होता है ये बताएंगे, फिर उसके बाद इस पूरे लॉ को आप एक्सप्लेन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि लॉ है क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसको पूरा डिफाइन करेंगे कि ये लॉ बताते हैं जब आप किसी चीज़ को कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो हर एडिशनल यूनिट उसका पहले यूनिट की नस्बत सेटिस्फेक्शन कम देता है। फिर उसको एनालाइज करने के लिए आप टेबल और डायग्राम बनाएंगे प्रॉपरली, और फिर इवेल्यूएट करने के लिए उसकी अजम्पशंस और लिमिटेशंस को यूज़ करेंगे। अब अजम्पशंस में क्या बताएंगे और लिमिटेशंस में क्या बताएंगे कि ये लॉ उतना रियलिस्टिक नहीं है क्योंकि दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस दैट कैन नॉट बी फाउंड इन रियल लाइफ। जैसे कंटिन्यूस यूज़ की बात करें तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि वो टेबल पे ग्लास पानी के भर के रख दे और बस पीता जाए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हम अपनी नीड के हिसाब से पीते हैं, जब हमें प्यास लगी होती है तब पीते हैं, हो सकता है हम एक सुबह ग्लास पी लें, एक दोपहर में, एक शाम में पी लें, तो जब हमें प्यास लगेगी उसको हम यूज़ करेंगे, ना कि हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को प्रूव करने के लिए बैठ के ये काम करते रहेंगे, तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। इसी तरह से प्रोडक्ट सेम रहे ये भी ज़रूरी नहीं है, इंसान की नेचर है कि इंसान को डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, हम चेंज करते रहते हैं, चेंज इंसान को पसंद होता है, तो ये लॉ कहते हैं कि सेम चीज़ होनी चाहिए बार बार, तो सेम चीज़ को ही नहीं यूज़ करता, चेंज करके हम यूज़ करते हैं, तो अगेन ये उतना रियलिस्टिक नहीं होगा। इसी तरह से बाकी अजम्पशंस और लिमिटेशंस को भी आप बता के फिर आप बताएंगे, इन पे कंक्लूड कर देंगे कि ऑल्दो दिस, या फिर आप बताएंगे फ्रॉम दिस डिस्कशन इट इज़ कंक्लूडेड दैट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ अ गुड थ्योरेटिकल बेसिकली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड्स अस वेरी गुड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन टू एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हाउएवर इन रियल लाइफ वी कैन नॉट फाइंड ऑल द अजम्पशंस एंड देर आर सर्टेन लिमिटेशंस एज वेल ड्यू टू विच दिस लॉ इज नॉट दैट मच रियलिस्टिक इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको कंक्लूड कर लेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इस YouTube, ये जो प्लेलिस्ट है जिसमें ये वाली वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के अगर आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएं तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में A2 का सिलेबस जो मई जून 2024 में जो एग्ज़ाम होना है उसके हिसाब से, या फिर अक्टूबर नवंबर 2023 एग्ज़ाम अगर आपने देना है तो उसके हिसाब से ये वाली जो प्लेलिस्ट है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट को आप बेल आइकन भी दबा दें क्योंकि इस प्लेलिस्ट में सिलेबस के सीक्वेंस के हिसाब से मैं इंशाल्लाह चल रहूँगा और सारे हर टॉपिक के एंड पे जो उससे रेलेवेंट जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकते हैं, जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन किया, इसी तरह मैं हर वीडियो के अंदर उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो अगर आप मई जून 2024 में एग्ज़ाम देना है तो दिस इज़ ब्लेसिंग फॉर यू और आई वांटेड ऑल ऑफ़ यू टू स्टे इन टच। तो बाकी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ़ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।